अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप लोगों ने इस तरह की इमेज जनरेट करनी है और वो भी फोटोशॉप में, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और कोई अच्छा सा नीचे कमेंट कर देना है। तो आप लोगों ने क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद रेजोल्यूशन ये पिक्सल में 1000x1500 रख देना है और इसे ब्लैक बैकग्राउंड में ऐड कर देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल इधर रेक्टेंगल यूज करनी है। रेक्टेंगल के ऊपर आप लोगों ने ये सेटिंग देख लेनी है और इसे मूव कर लेना है। मूव करने के बाद इधर मैं इसका डुप्लीकेट कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करूँगा और बाद में इन दोनों को, इनका भी डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल के जे के साथ। तो इन चारों का डिस्टेंस सेम रखना है। और इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं रोटेट कर दूंगा और स्केल वाइज बड़ा कर दूंगा। और इसको एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने क्लिक पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग लेयर ऑफ करके इसको देख सकते हो। तो मैंने इसको ये लेयर को डिलीट कर दिया है और ये तीन रेक्टेंगल हमारे पास अवेलेबल हैं। रेक्टेंगल वन को सिलेक्ट करना और एफएक्स में ब्लेंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्ट्रोक को ये सेटिंग एक्टिवेट कर लेनी है। आप लोग देख लें तो इस तरह इसको बाद में ओके कर देना है। ओके करने के बाद रेक्टेंगल टू कॉपी को जो है उसे, उसको हम लोगों ने एफएक्स पर क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्ट्रोक को एक्टिवेट कर देना है और ये सेम प्रोसीजर रेक्टेंगल थ्री पर करना है। और ये इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली है मैंने। और यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना है। कन्वर्ट टू लेयर कर देना है और रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग ड्रैग करना है और एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद हम लोगों ने फिल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये कंटेंट अवेयर पर को सिलेक्ट करना है। कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है और आप लोगों का ये खाली जगह फुल हो जाएगी, इमेज जैसे सेम डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसके अगर सेंटर में करते हैं तो ये इधर वाली साइड पे, यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद एडिट और फिल पर क्लिक कर देंगे और हमारा ये आप लोग डिज़ाइन देख सकते हो, प्रॉपरली डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो ये इमेज का थोड़ा सा हिसाब ऊपर से कट है तो मैं इसे स्लाइटली यूज़ करूँगा। तो मैं इसे यहाँ से दोबारा रीड्रा करूँगा रेक्टेंगल को और एडिट पर फिल। तो यहाँ पर मैंने लेयर को सिलेक्ट नहीं किया तो एडिट फिल और कंटेंट अवेयर पर ओके कर देना है और हमारी ये इमेज जनरेट हो गई है। तो इसे मैं थोड़ा सा सेंटर में कर दूँगा तो आप लोग ये देख सकते हो इस तरह हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर ये इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस लेयर को नीचे ले आना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको इमेज को एडजस्ट करना है। मैं इसे स्केल वाइज छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद इसे भी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल यूज़ करनी है और एडिट पर और फिल पर क्लिक करके हम लोगों ने इस इमेज के पार्ट्स को भी फुल कर लेना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और ये नीचे बॉटम वाली साइड से भी हम लोग इसे एडिट और फिल पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये भी फुल हो जाएगा। रेक्टेंगल को यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्कल ड्रा करूँगा और
सर्कल को अपने मुताबिक एडजस्ट करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा, लेकिन लेयर में जाने के बाद एलिप्स को सिलेक्ट करना है और इसे सेंटर में करता हूँ। तो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसे तो ये सर्कल को ड्रा किया। ड्रा करने के बाद इसकी लेयर को ऊपर ले आया हूँ और कॉपी करने के बाद इसका भी हम लोगों ने आउटलाइन शो करने के लिए स्टॉप पर क्लिक कर दिया है और ओके कर देना है। और सेम ये दूसरे सर्कल पर भी हम लोगों ने ये सेम प्रोसीजर करना है, आउटलाइन शो करने के लिए स्टॉप पर क्लिक करने की है और ये सेटिंग ऐड कर दी है। और यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, साइज़ वाइज बड़ा कर दूँगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तीन सर्कल होने चाहिए और इजीली तीन सर्कल एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं इनको एडजस्ट कर लूँ पहले। तो इसका मैं यहाँ पर एक कॉपी जनरेट करूँगा। कॉपी जनरेट करने के बाद इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद इसको एडजस्ट कर दिया है। इन तीनों सर्कल की लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इनको सेंटर में ऐड कर दिया है और इसी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है जो पहले इमेज थी। क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर दिया है और इसे यहाँ से हम लोगों ने मूव करके स्केल वाइज छोटा कर दिया है, छोटा करना है। ये मैंने कभी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और स्केल वाइज छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर इस लेयर को क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करना है। तो हमारा ये इस सर्कल में मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इस लेयर पे भी हम लोग कन्वर्ट टू लेयर करके और रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और इसको फिल कर देंगे। एडिट पर जाकर फिल पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये राइट साइड पर भी हम लोगों ने रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है, एडिट पर जाना है, फिल पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ये वाली इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको एडजस्ट किया है। और क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करना है और ये आप लोग देख सकते हो ये बर्गर सेंटर में शो हो रहा है और ये लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने के बाद क्लिक पर क्लिक किया और इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाकर रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। तो हमारा बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कोई अपना ब्रांड का नाम, फ़ोन नंबर और लोगो वगैरह हम ऐड करेंगे। तो ये सर्कल ड्रा करने के बाद इसको हम आउटलाइन शो करेंगे क्योंकि मैं 4 रखूँगा और इसे यहाँ से मूव करूँगा। यहाँ पर ये मैंने फ़ोन के आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और जूम इन करके इसे अच्छी तरह सर्कल के अंदर फिट करना है। तो इस इमेज को क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर दिया है और इसके स्ट्रोक को मैं और कम कर देता हूँ ताकि हमारा फ़ोन आइकन क्लियर शो हो और आउटलाइन कम हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो मैं ये कॉल आइकन के साइज़ को बढ़ा देता हूँ और इसे एडजस्ट करना है।
जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा आइकन सेंटर में आ गया है। तो हम लोग इधर सिंपल टेक्स्ट ऐड करेंगे, कोई फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर देंगे रैंडमली। मैं ये नंबर ऐड कर देता हूँ और आप लोग ये टेक्स्ट वगैरह देख सकते हो और हाइट देख सकते हो कि मैंने ये कितनी ऐड की है, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे और नंबर को बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने ब्रांड का कोई भी नेम ऐड कर देता हूँ। मैंने बर्गर टेस्ट ऐड किया है, तो मैंने बर्गर टेस्ट ऐड किया है और इसे एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने के बाद फ़ॉन्ट आप लोग देख सकते हो कौन सा यूज़ किया है मैंने, तो मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पर आप अपनी कोई भी ऑफ़र भी लगा सकते हैं, 50% ऑफ, 30% ऑफ। और इसे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे।